दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में जल शक्ति अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने किया। जिला मिशन प्रबंधन इकाई के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। कार्यशाला में जिला विकास अधिकारी अनिल सिंह ने कहा कि हमें बरसात के पानी को बचाना होगा, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करना होगा, उन्हें बारिश के जल को जमीन के नीचे पहुंचाने के लिए टैंक लगाने होंगे जिससे जल का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें हाथ धुलने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा और कागज़ से ही हाथ साफ करना पड़ेगा। बैठक में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हमारा लगभग 200 से लेकर के 300 स्वयं सहायता समूह या 2000 से लेकर के 3000 परिवार की सेटअप होता है, कार्यालय होता है, ग्राम संगठन का कार्यालय होता है, जहां से वो विस्तृत रूप से हर एक मुद्दों पे चर्चा करती हैं, अपने गांव की समस्याओं के परिवार को जोड़ना एक अभियान के रूप में और सफल बनाने की दिशा में एक बहुत काफी उचित कदम है। ये इस योजना से या जल से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, जल संबंधित, चाहे हमारा कृषि विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, तो सारी विभाग हैं और लाखों बच्चों की अकेले डायरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त पानी में मिले फ्लोराइड आसानी से 6 करोड़ 7 लाख लोग फ्लोरेसिस, बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि जब हमारा दिहाड़ी मजदूर जो बीमार होता है, ये तरह जो उसके घर में पैसा रखा इसका दोहरा नुकसान होता है। और पानी से तो जितने भी बड़े बड़े अच्छे रोग हैं, जिससे बच्चे पोलियो, चाहे क्या कहते हैं आपका डायरिया, पानी पीना चाहिए कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, तो जब पानी दूषित हो गया है तो जो निकलेगा वही तो पियेंगे। इसी नाते आप मुकेश मसराम साहब की एक लाइन और मुझे याद आ रही है कि आज के करीब 15 साल पहले क्या हम ये जानते थे कि हम दूध के भाव पानी पियेंगे? भाई मिनरल वाटर क्या है, इसमें 20 रुपया है, उस समय 20 रुपया किलो दूध रहा होगा, 10 साल पहले और कम ही रहा होगा, बिल्कुल। तो क्या हम मिनरल वाटर, उस समय अगर कोई मिनरल वाटर या कोई उसमें थर्मस पानी लेके आता था तो हम लोग गांव में कहते थे कि बड़े लाट साहब हैं यार, ये तो घर का पानी भी नहीं पीते। आज ये हमारी आवश्यक आवश्यकता हो गई। हम मैं देखता हूँ कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो भी कौन गंगा जल, दिव्य जल, तो बड़ा जो 20 रुपये वाला आता है वो केन वो रखते हैं। ये दशा हो गई हमारी। नितेश जी, ये हम आपको 3 चरण में हम आपको बता रहे हैं। पहला है ग्राम संगठन जो है, जो कि हमारा फर्स्ट लेवल है। ग्राम संगठन पे हमारा ग्राम पंचायत पे 2 दिवसीय कार्यालय का कार्यशाला का आयोजन होना है। उन 2 दिवसीय कार्यशाला में उनको जल साक्षरता पे प्यारे जल संबंधित ज्ञान और व्यवहार परिवहन में, हम जानते हैं कि हम गाँव में भी जो खासतौर से नहाने में और खेती में या